से देख करूँ मछली पकड़ने की। हेलो गाइस, मैं हूँ अभी पासीघाट में और हम जा रहे हैं अभी सीधे करोंग मछली पकड़ने के लिए। पास पहुंच गए ऑलमोस्ट। लास्ट टाइम तो हम लोग बोर्ड दिया था। बहुत है तो नहीं तो चाल को लेके बोलो बनाने में भाई जल नहीं है जल नहीं है ला ये हम लोग का ट्रेडिशनल तरीका मछली पकड़ने का, जिस तरह पत्थर को जमा करके रखा जाता है जिसमें मछली आके इसके पत्थर के अंदर रहते हैं, उसी को हम मछली को पकड़ लेते हैं बाद में कुछ समय के बाद। यहाँ भी है बहुत सारा है यहाँ पे, अभी सबको अभी हम लोग खोलेंगे पत्थरों को, इसके बाद पकड़ेंगे मछली। गाइस में पहुंच गया अभी नदी, अभी हम शुरू करेंगे मछली पकड़ने। आप देख सकते हो नदी को बहुत ही सुंदर है। इस नदी का नाम है सिलेकोरोंग जो कि है पासीघाट में। तो बने रहिए वीडियो में। Oh, my God.
لا لا
तो गाइस दिन भर की मेहनत के बाद अभी हम जा रहे हैं घर वापस। जाते जाते हम जंगल से कुछ बेम्बू और जंगली पत्ता कट के जाएंगे, जिसमें हम घर पहुंचकर मछलियों को पकाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। गाइस हमने बेम्बू और पट्टा काट लिया है। इस पट्टा से होता क्या है कि जो खाना होता है इससे गंदगी अच्छा होता है इस पट्टे से, प्लस खाना को भी स्वादिष्ट बनाता है, इसलिए हम ये ले जा रहे हैं साथ में। ये हम लोग आज का मेहनत बहुत बढ़िया मेहनत किया है। अभी बेम्बू में कुकिंग कर रहे हैं। ये हम लोग आज जो श्रिम्प पकड़ा था उसको कच्चा ऐसे रो में खा रहे हैं। इसमें मिलाया है लोकल मिर्च पाउडर, टोमेटो, नमक और ड्राई बेम्बू सूट। बहुत ही टेस्टी है, कभी ट्राई कीजिए। ये श्रिम्प आज हम लोग पकड़ा था, रो में खा रहे हैं। अच्छा, बहुत ही टेस्टी है। बढ़िया तो मरेगा, नहीं खाते उसको।
है सुनेगा तो जिंदा है सभी कच्चा है इसको हम लोग लोकल हम लोग का लोकल भाषा में पंगम बोलते हैं पता नहीं हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं दिखाई दे रहा है ना गजे दे तेरा कहानी वाला स्टाइल लेकिन बढ़िया Ang malo na. Manuri me kole mare ko mama. Ila, ko pu me konda riba तो दोस्तों आज का व्लॉग यही समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे नए दिन में नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए खुश रहिए सुरक्षित रहिए अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाय बाय